हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे को नई वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे इस बटन के बारे में, इसको बोलते हैं एयर रिसर्कुलेशन बटन। तो आपको सबको पता होगा भाई, एक गाड़ी के अंदर दिया होता है और हवा को अंदर की हवा को अंदर रहने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, क्यों तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, कब यूज़ करना चाहिए। तो पूरी डिटेल्ड वीडियो है, तो आप पूरी वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहले करते हैं बात इसकी, ये इसका काम क्या होता है। तो पहले तो ये आपके एसी को बूस्ट करता है, अगर ये ऑन रहेगा ना तो एसी जो आपको कूलिंग करेगा ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। इसको ऑफ़ नहीं करना कभी भी, ऑन रखना समर सीज़न वगैरह में ना। उसके बाद जो बाहर का एग्जॉस्ट है, जो ये बाहर के जितने भी पोल्यूशन वगैरह हैं उनको अंदर नहीं आने देता, स्मोक हो गया या फिर कोई भी और भी किस तरह का पोल्यूशन होगा उसको अंदर नहीं आने देगा। और अगर आप मान लो एलर्जिक हो, जैसे पेड़ पौधे के छोटे छोटे दाने रहते हैं, पोलन्स वगैरह बोलते हैं उसको, अगर आप समझते हो उस टाइम को, तो उसको भी अंदर नहीं आने देता, फिल्टर आउट कर देता उसको भी। और जो बाहर की बदबू वगैरह, जो स्मेल वगैरह है बाहर की, उसको भी अंदर नहीं आने देता बहुत हद तक, मतलब 98% तक अंदर नहीं आने देगा। अगर आपके बाहर से अगर स्मेल वगैरह आ रही है तो मतलब ये बटन ख़राब है। इसका जो शाफ्ट होता है उसको आप चेक करवा सकते हो कि वो ख़राब है कि ठीक है। तो इसके कुछ ये इसका काम हो गए। इसके बारे में बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। भाई इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ फ़ायदे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई पोल्यूशन वगैरह नहीं आने देता, पोलन्स वगैरह अंदर नहीं आने देता, स्मेल को अंदर नहीं आने देता। उसके बाद और भी फायदे हैं, जैसे एयर फिल्टर जो आपका एसी का रहता है उसको ख़राब नहीं होने देगा, उसकी लाइफ बढ़ा देता है, जल्दी से वो ख़राब नहीं होगा, उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है अगर ये बटन ऑन रहता है। तो ऑफ़ कर दोगे तो ये बटन ऑफ हो गया है, और ऑटोमेटिक कार में मैनुअल एसी के साथ, जो ऑटोमेटिक एसी के साथ होती है, सबके अंदर रहता है ये बटन, तो उसको यूज़ कर सकते हो। ऑटोमेटिक व्हीकल जो है बहुत से, मतलब तो एडवांस व्हीकल आ गए तो उसके अंदर तो इनबिल्ट आता है, काफ़ी एडवांस बता रहा हूँ, उनके अंदर आता है, नॉर्मल रेंज में 20-30-50 लाख की गाड़ी में नहीं आता है ये। और उसमें इनबिल्ट रहता है, अपने आप सेंस कर लेता है एयर क्वालिटी को और अपने हिसाब से मौसम के हिसाब से एडजस्ट करके अपने आप ये बटन ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। और क्या करता है, एसी के ऊपर जोर नहीं आने देता, अगर ये ऑन रहेगा ना बटन तो आपको एसी को जोर नहीं आएगा और आपकी एसी की लाइफ बढ़ जाएगी काफ़ी, लगभग 20-30% लाइफ बढ़ जाती है अगर आपकी ये ऑन रहता है तो, आपकी एसी को जोर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और जो आपको एक बेनिफिट नहीं पता, एयर आपकी फ्यूल जो इकोनॉमी उसको बेटर करता है, बढ़ाता है, क्योंकि एसी पे लोड नहीं पड़ेगा, एसी कम देर काम करना पड़ेगा, कैबिन जल्दी कूल हो जाएगा, तो इसका एसी कट मार जाएगा, जैसे अभी मेरा कट मार रहा है बार बार जो एयर कंडीशन सिस्टम है इसका, तो आपके फ्यूल भी बचाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि कब इस बटन को यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। पहला सबसे जो शुरुआती है वो तो यही है कि भाई जब आप एसी ऑन किया है तो इसको ऑन ही रखना है, और उसके बाद समर सीज़न जैसे अगर है और गर्मी वाला सीज़न, उसके अंदर इसको ऑन रखना है, इसको ऑफ़ नहीं करना है। और आप बहुत ज़्यादा, मान लो सर्दी भी है और आप बहुत डेंस ट्रैफिक में चले गए तो उस टाइम पे भी इसको ऑन कर लेना, जब बहुत ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको ऑन कर लेना है ताकि बाहर का जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स वगैरह हैं या फिर कोई भी पोल्यूशन है वो अंदर नहीं आ सके गाड़ी के अंदर, आप एंटर नहीं कर सके, बाहर की स्मेल अंदर ना आए, तो उस टाइम पर आप इसको ऑन कर सकते हो। तो इस टाइम पर आपको ऑन करना है। और एक बेनिफिट और बताना भूल गया कि भाई इसको ऑन कब करना है, मतलब अगर आप इसको ऑफ़ करके रखोगे, ये ऑफ़ रहेगा तो बाहर से गर्म हवा आती रहेगी और उसको आपके एसी ठंडा करता रहेगा बार बार, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एसी पे जब बार बार जोर पड़ेगा और उससे आपके फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा और एसी जल्दी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाहर की हवा जो है वो अंदर आती है, गर्म हवा या जो बेकार हवा है, और ये क्या करता है, अंदर की हवा को अंदर घुमाता है, तो ये ठंडी हवा जाएगी नीचे और वापस सर्कुलेट अंदर हो जाएगी, तो ठंडी हवा को घूमना पड़ेगा, तो ज़्यादा देर आपका कैबिन कूल रहेगा और ज़्यादा जल्दी कूल हो जाएगा आपका जो कैबिन है, और ना ही उस पर एसी पे लोड पड़ेगा आपके। अब बात करते हैं कब इसको यूज़ नहीं करना है या फिर कब इसको बंद करना है, तो ये ऐसे करने से बंद हो जाता है, जब आपका मौसम ठंडा हो या बाहर का वेदर जो आपको कोल्ड है, तो उस टाइम पर आपको इसको बंद कर लेना है और विदाउट एसी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ताकि बाहर के आपको अंदर सफोकेशन वगैरह ना हो, और आपको बहुत देर लंबी ड्राइव कर रहे हो आप और आपको सफोकेशन टाइप फील हो रहा है एसी के अंदर भी, तो थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ़ कर लेना है। ऑटोमेटिक अगर क्लाइमेट कंट्रोल होगा तो अपने आप ही ऑफ़ कर देता है इसको यूनिट जो रहती है, वैसे अगर मैनुअल है तो आप बहुत देर, जैसे 7-8 घंटे हो गए, 6 घंटे 5 घंटे हो गए और पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको 10 मिनट के लिए ऑफ़ कर दो तो फ्रेश एयर बाहर के अंदर आ जाती है, तो आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा, सफोकेटिंग फील नहीं होगा। और उसके बाद जैसे बारिश का मौसम आ गया तो आपको देखा होगा यहाँ पे जैसे भाप वगैरह जम जाती है, उस सिचुएशन में आप इसको ऑफ़ कर दोगे और एसी अपना ऑन कर दोगे तो सेकंड में आपकी जो हवा है, ये जो भाप है, ये हट जाएगी और आपको एकदम क्लियर विजन दिखेगा। तो दो जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। और जब आप हीटर ऑन कर रहा, अगर सर्दियों में हीटर ऑन करते हो तो इसको ऑफ़ कर लेना, उससे क्या होगा कि बाहर की जो हवा है वो आपकी हीटर कोयल पर टकराएगी और गर्म हवा सीधे आपके अंदर आएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई बाहर से ठंडी हवा क्यों लेनी, पर इंजन की हीट से और जो बाहर से जो एसी हवा जो है वो गर्म होकर सीधे आपकी हीट कोयल पर टकराती है और काफ़ी गर्म हवा आती है, तो उससे आपको फ्रेश फील होगा, सफोकेटिंग फील भी नहीं होगा हीटर के साथ ना, तो हीटर के यूज़ करते वक्त भी इसको ऑफ़ कर लेना है। तो ये था आपको कब इसको ऑफ़ करना है। इसके बाद बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं।
तो जो मैंने पहले बताई है वही लगभग कुछ इसकी डिसएडवांटेज रहेगी। जैसे आपको बहुत बार सफोकेटिंग फील हो सकता है, जैसे आप गाड़ी के अंदर पैसेंजर भरे हुए हैं तो आपको फील हो सकता है, मैंने पहले बताई दिया आपको। और रेन सीजन में अगर आपने इसको ऑफ़ नहीं किया हुआ है, इसको यूज़ कर रहे हो ऑन कर रखे और एसी बंद कर रखा है, तो बहुत बार क्या होता है आपने देखो कि भाप जम जाती है साइड और शीशों पर और यहाँ पर, तो हमारे जो जब हम एक्सहेल करते हैं उस टाइम पर वाटर वेपर्स निकलते हैं, मतलब कुछ भाप निकलती है हमारे मुँह से भी और नाक से भी, तो वो जम जाती है। तो उस टाइम पर इसको आप ऑफ कर लो, मतलब इसको मतलब एयर रिसर्कुलेशन बटन को, तो आपकी जो भाप वगैरह तुरंत हट जाएगी विदाउट एसी भी, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ठंडा हो जाता है बारिश में, तो आप सोचते हो कि भाई एसी की में क्यों फ्यूल अपना खर्च किया, तो उस टाइम पे आप इसका एक ये डिसएडवांटेज कह सकते हो। और सर्दियों में भी सेम हाल होता है, सर्दियों में अगर आप ये ऑन रखते हो इस बटन को तब भी आपके साइड चारों तरफ ये मिस्ट जम जाती है। तो ये दो चार कुछ इसकी डिसएडवांटेज थी, तो यही सब था इस वीडियो में, इस बटन का जो एयर से रिसर्कुलेशन वाला बटन, इसकी क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।